हेलो डियर स्टूडेंट, और फिर से सभी का वेलकम है इस क्लास में। हम जैसे कि क्लास 12 का फिजिक्स का रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे थे, तो उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। और जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। तो इसको नोट कर लीजिए। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर के द्वारा ऑब्जेक्ट की इमेज अलग अलग कंडीशन में किस तरह से बनती है, तो वो हम देखेंगे। तो अलग अलग कंडीशन या केसेस हैं, तो सबसे पहले लिखिए केस वन। तो यह है केस वन, देखिए। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, एक कॉनकेव मिरर है हमारे पास और जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी में रखा हुआ है, तो उस केस में इमेज कहाँ बनेगी, कैसे बनेगी, क्या उसका नेचर होगा। तो मैं यहाँ पे एक कॉनकेव मिरर मान लीजिए बना ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखिए, ये है कॉनकेव मिरर और बीच में से ये है प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे है इसका फोकस और यहाँ पे है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ऑब्जेक्ट है रिफ्लेक्टिंग साइड से ही, रिफ्लेक्टिंग साइड की तरफ ही होता है। अब इस कंडीशन में जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी में है, तो इन्फिनिटी की कंडीशन क्या है, जो भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में होता है वो हमेशा पैरेलल आता है, उसकी रेज जो इंसिडेंट रे हमेशा पैरेलल आएगी। तो जो भी इंसिडेंट रे है इन्फिनिटी से आ रही है इस तरह से, तो जो भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में होगा उससे पैरेलल रेज आएंगी, और ये रे रिफ्लेक्ट होके किधर से पास होंगी, फोकस से। सारी की सारी रे इधर फोकस से पे आएंगी, तो इसका ये मतलब है कि इमेज बनेगा फोकस पे, ठीक है। ये जो है इमेज रिफ्लेक्टेड रे जहाँ मीट करती हैं वहाँ बनता है इमेज, रिफ्लेक्टेड रे कहाँ मीट कर रही है, फोकस पे मीट कर रही है, इसलिए इमेज बन रहा है फोकस पे। एंड नाउ ये जो इमेज है ये कैसा इमेज है, ये रियल है कि वर्चुअल इमेज है। देखिए, ये रिफ्लेक्टेड जो रेज हैं एक्चुअली मीट कर रही हैं, इसीलिए ये जो है रियल इमेज है, ये जो है रियल इमेज है। इमेज की पोजीशन कहाँ है, किस पोजीशन पे बन रहा है, ये फोकस पे बन रहा है, इसलिए हम लिखेंगे इमेज एट फोकस। इमेज फोकस पे बन रहा है इसलिए हम इसे बोलेंगे इमेज एट फोकस, ये रियल है। और ये जो है क्या बोलेंगे, पॉइंट साइज इमेज होगा, ठीक है। ये हाईली डिमिनिश्ड भी कह सकते हैं, पॉइंट साइज इमेज इज फॉर्म, ठीक है। तो ये इसकी जो है नेचर है, इस जो इमेज बन रहा है इस कंडीशन में, ये बन रहा है फोकस पे बन रहा है, ये रियल इमेज है और जिसका साइज हाईली डिमिनिश्ड है यानी पॉइंट साइज इमेज बन रहा है। तो ये पहला कंडीशन हुआ। नाउ सेकेंड केस देखिए क्या है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी। सी यहाँ पे क्या है, सी है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो इसमें क्या है, क्या बोल रहे हैं इसमें सिचुएशन में, कि एक ऑब्जेक्ट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखा हुआ है। पिछले केस में क्या था, ऑब्जेक्ट जो था इन्फिनिटी में था, अब इन्फिनिटी से मिरर के पास हम लेके आए ऑब्जेक्ट को, कहाँ पे लेके आए हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, यानी इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे कहीं भी, तो किसी भी पॉइंट के लिए जो सेंटर ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी के बीच में होगा ये वाला केस एप्लीकेबल होगा। और इस केस में इमेज को आपको लोकेट करना है, तो आप ध्यान रखिए इमेज कहाँ बनती है, जहाँ रिफ्लेक्टेड रेज मीट करती हैं। तो रिफ्लेक्टेड रेज कहाँ मीट करती है, हमको वो लोकेट करने के लिए केवल दो ही रे चाहिए। ये जो रियल ऑब्जेक्ट है इससे बहुत सारी रेज निकल रही हैं, पूरी रेज में क्या रिफ्लेक्ट होके आ रही है, लेकिन आपको लोकेट करना है केवल इमेज इसकी, तो केवल दो रे चाहिए। तो जो हमने चार रूल्स पढ़े हैं इमेज लोकेशन के, उन्हीं को हम फॉलो करते हुए यहाँ देखिए इसकी इमेज लोकेट करेंगे। तो हम यहाँ ये जो इसका टॉप पॉइंट है, हेड पॉइंट है, यहाँ से देखिए ये रियल ऑब्जेक्ट है, चारों तरफ रेज निकल रही हैं, तो एक रे ऑफ लाइट ऐसी होगी जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, ठीक है। एक रे ऑफ लाइट ऐसी होगी जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी और वो कहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, फोकस से, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट रूल हमने पढ़ा है ये उसी से हमने इसको बनाया है, इसका जो रे डायग्राम है, जो रे पैरेलल जाएगी फोकस से होते हुए जाएगी, दूसरी रे हम कौन सी लें, फोकस से।
दूसरी रे हम लेते हैं जो कि फोकस से होते हुए जाती है, तो फोकस से जाने वाली जो रे है वो रिफ्लेक्ट होकर पैरेलल हो जाती है, प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल हो जाती है। ये है रे वन, ये है रे टू, और दोनों कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसीलिए इस पॉइंट पे इसका इन्वर्टेड इमेज बनेगा। देखिए ये हेड है इसका ऑब्जेक्ट का, ये हेड है ऑब्जेक्ट का, यहाँ पे सीधा ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे उल्टा बन जाएगा। ठीक है, जो इसका ये बेस है वो तो ठीक है, ये हेड वाला पोर्शन ये उल्टा हो गया तो ये इन्वर्टेड हो गया। आ रहा है समझ में? तो ये जो है इस केस में इन्वर्टेड इमेज बन रहा है, और ये ऑब्जेक्ट इमेज रियल है या वर्चुअल है, तो देखिए रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअल में मीट कर रही है, तो ये जो है रियल इमेज है। तो इसकी नेचर ऑफ इमेज के बारे में हम क्या कह सकते हैं, ये जो इमेज है ये है रियल इमेज। ठीक है, इस केस में जो इमेज बनेगी ये रियल इमेज बनेगी, और ये इन्वर्टेड इमेज है। ठीक है, रियल इमेज है और जो इमेज है वो इन्वर्टेड है। और साइज ऑफ इमेज देखिए, ये जो हाइट है इसकी आपको बड़ी दिख रही है, ये छोटी दिख रही है। ठीक है, तो ये जो है साइज जो है इसकी छोटी हो जाएगी, और इसकी मैग्निफिकेशन की वैल्यू देखिए, ये तो हमने रफ डायग्राम बनाया, हो सकता है कि मैंने इसको जानबूझ के बड़ा और इसको जानबूझ के छोटा बना दिया हो, ये भी डाउट आ सकता है। तो आपको एग्जैक्टली पता करना है कि ये जो है ये साइज छोटा है या बड़ा है, तो आपको मैग्निफिकेशन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। जब आप मैग्निफिकेशन निकालते हैं उससे हमें पता चल जाता है जो इमेज है वो डिमिनिश्ड है, एनलार्ज है, या सेम साइज इमेज है, इरेक्ट इमेज है, या इन्वर्टेड इमेज है। देखिए इमेज मैग्निफिकेशन जो है, मैग्निफिकेशन इसका फॉर्मूला क्या है, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका एक और फॉर्मूला है, मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला है माइनस वी अपॉन यू। तो ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हुआ, वी क्या है, ये है इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, यू क्या है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, और साथ में माइनस साइन है। इसकी वैल्यू से हमें पता चलता है कि जो ऑब्जेक्ट है डिमिनिश्ड है या एनलार्ज है। कैसे पता चलता है, इफ ठीक है, यदि मैग्नीट्यूड मैग्निफिकेशन की जो भी वैल्यू आएगी इसको डिवाइड करने से, इसका मैग्नीट्यूड अगर ग्रेटर देन वन है तो इसका मतलब है कि एनलार्ज इमेज मिलेगी। यदि ये है, अगर मैग्नीट्यूड ऑफ एम इज ग्रेटर देन वन तो इमेज होगी एनलार्ज। ठीक है, इसका मतलब है साइज ऑफ इमेज विल बी मोर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। और यदि इसका अपोजिट केस हो जाए, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ एम इज लेस देन वन तो इस केस में इमेज मिलेगी डिमिनिश्ड। ठीक है, यदि m इज ग्रेटर देन 1 तो एनलार्ज, लेस देन 1 डिमिनिश्ड, यदि m इज इक्वल टू 1 तो इस केस में क्या होगा, इमेज साइज ऑफ इमेज विल बी इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये तीन जो कंडीशन है मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले से, हमने तीन कंडीशन ये वैल्यूज लिखी है, इससे हमें पता चल जाएगा कि इमेज एनलार्ज है, डिमिनिश्ड है, या सेम साइज है। अब देखिए इस कंडीशन में हम ये फॉर्मूला लगाते हैं, तो u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है ये, तो यहाँ से मिरर का जो डिस्टेंस है, ये देखिए ये ऑब्जेक्ट का इस मिरर से डिस्टेंस है, इसको हम बोलेंगे u, यहाँ से लेके इस पॉइंट तक ये जो डिस्टेंस है ये u है। ठीक है, अब देखिए v क्या है, इमेज का डिस्टेंस, ये इमेज है, इमेज से मिरर का डिस्टेंस। ठीक है, तो v ये हुआ, ये इमेज है इसका मिरर के पोल से डिस्टेंस। तो अब देखिए यू, वैल्यू ऑफ यू इज ग्रेटर एंड वैल्यू ऑफ वी इज स्मॉलर, तो वी छोटा है, न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो एम ऑब्वियसली इसका जो मैग्नीट्यूड है लेस देन वन होगा इस केस में। अगर ये लेस देन केस है तो जो इमेज है ये डिमिनिश्ड होगी, इमेज का साइज छोटा होगा। ठीक है, और देखिए हाँ, इसमें जो साइन है ये क्या होगा, ये जो डिस्टेंस है हमने पिछले क्लास लेसन में देखा था, ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है हम पोल से मेजर करेंगे, पोल से ऑब्जेक्ट की तरफ आएंगे, तो हम इंसिडेंट रे के अपोजिट आ रहे हैं। इंसिडेंट रे का क्या डायरेक्शन है, टुवर्ड्स लेफ्ट,
ऑब्जेक्ट से मिरर की तरफ डायरेक्शन होता है इंसिडेंट रे का, तो यू जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये हुआ नेगेटिव, क्योंकि हम पोल से इमेज ऑब्जेक्ट की तरफ आएंगे विच इज अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। वैसे ही यू वी जो है ये भी हम पोल से जब इमेज की तरफ आएंगे तो ये भी हम अगेंस्ट द इंसिडेंट रे जा रहे हैं, तो ये वी की वैल्यू भी नेगेटिव होगी, तो ये भी नेगेटिव कैंसिल हो गया और बाहर से ये एक और नेगेटिव, तो इसका मतलब एम की जो वैल्यू है वो नेगेटिव होगी। ठीक है, तो यहाँ एक और लिख लीजिए आप, अगर इफ एम इज नेगेटिव, ठीक है, तो क्या बनेगा उस कंडीशन में, इन्वर्टेड इमेज, उस कंडीशन में इन्वर्टेड इमेज बनेगा। तो यहाँ देखिए ये इमेज इन्वर्टेड बन रहा है क्योंकि m की वैल्यू आ रही है नेगेटिव, और यदि m की वैल्यू आएगी पॉजिटिव तो उस केस में बनेगा इरेक्ट इमेज। तो ये देखिए मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले से हम बहुत सारी चीज़ें पता कर सकते हैं, हम पता कर सकते हैं एनलार्ज है, डिमिनिश है या सेम साइज है, इरेक्ट ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो इरेक्ट है या इन्वर्टेड है इसके साइन से पता चल सकता है, तो ये अलग अलग कंडीशन में हम यहाँ पता कर सकते हैं। तो इस केस में क्या है, देखिए m की जो वैल्यू है लेस देन वन है तो ये डिमिनिश्ड इमेज बनेगी, तो लिख लीजिए इस केस में डिमिनिश्ड इमेज, और क्योंकि m की वैल्यू माइनस में आ रही है इसीलिए इन्वर्टेड इमेज बनेगी, इन्वर्टेड तो लिख लिया हमने, ये डिमिनिश्ड इमेज बनेगी। और पोजीशन क्या है इमेज का, इस कंडीशन में हम लिखेंगे इमेज जो होगा इस वाली कंडीशन में बियॉन्ड सी कहीं भी अगर रखोगे आप तो जो इमेज बनेगा फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में ही बनेगा। तो जो पोजीशन ऑफ इमेज में आप लिखेंगे बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, ये दो पॉइंट के बीच में इमेज बनेगा। तो इस केस में अगर आपको आया क्वेश्चन तो आपको रे डायग्राम बनाना है, नेचर ऑफ इमेज के बारे में लिखना है, अगर थियोरेटिकल क्वेश्चन है तो इतने से ही हो जाएगा, हो सकता है इसमें न्यूमेरिकल आए तो न्यूमेरिकल भी आप इससे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए नेक्स्ट केस है थर्ड केस, जिसमें बोल रहे हैं व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी, सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो देखिए ये एक कॉनकेव मिरर है, ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही इस बार ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज कहाँ बनेगी, तो उसको लोकेट करने के लिए हम दो रेज बनाएंगे। एक रे में बना रहा हूं पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो एक रे देखिए ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जब ये मिरर पे स्ट्राइक करेगी तो रिफ्लेक्ट होके ये फोकस से होते हुए जाएगी, तो देखिए ये रे यहाँ पे गई रिफ्लेक्ट होके फोकस से होते हुए आई। अब एक दूसरी रे हम बनाएंगे जो कि फोकस से होते हुए जाएगी, तो ये देखिए एक दूसरी रे फोकस से होते हुए यहाँ पे स्ट्राइक करेगी और ये रिफ्लेक्ट होगी यहाँ से और पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। तो देखिए ये फर्स्ट रे आर वन, ये सेकेंड रे आर टू, ये दोनों यहाँ मीट हो रहे हैं। ठीक है, इस पॉइंट पर मीट हो रहे हैं तो यहाँ पे इमेज बनेगा इन्वर्टेड, और ये पोजीशन क्या है, ये जस्ट जो आपका ऑब्जेक्ट था उसी के नीचे ये बन रहा है इमेज, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही इमेज बनेगा, जहाँ ऑब्जेक्ट था वही इमेज बन रहा है। तो अब देखिए इस इमेज के बारे में हम क्या कह सकते हैं, तो सबसे पहले तो इसका हम निकाल लेते हैं मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या है, माइनस वी अपॉन यू। ठीक है, v है इमेज डिस्टेंस, u है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इस केस में देखिए यहाँ से यहाँ c से यहाँ तक का इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है और यहाँ से यहाँ तक का इमेज डिस्टेंस दोनों ही सेम है, तो इसका मतलब है इसकी वैल्यू आएगी माइनस वन। ठीक है, माइनस क्यों आ रहा है, ये माइनस है ना, बाकी v भी नेगेटिव है u भी नेगेटिव है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे बट ये माइनस कैंसिल नहीं होगा, इसलिए m की वैल्यू आ रही है माइनस वन। ठीक है, और हम ऐसे भी कह सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ m इज इक्वल टू वन। ठीक है, तो अब देखिए अब इमेज के बारे में हम क्या कह सकते हैं, सबसे पहले इमेज कहाँ बना, इमेज बना एट सी यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर। दूसरी बात हम क्या कह सकते हैं, ये जो है रियल इमेज है क्योंकि रिफ्लेक्टेड रे मीट कर रही हैं, तो रियल इमेज इज फॉर्म्ड। उसके बाद मैग्नीट्यूड ऑफ एम इज इक्वल टू वन, तो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज, ये हम कह सकते हैं।
ये जो m है इसकी जो वैल्यू नेगेटिव में आ रही है, इसलिए ये जो इमेज है इन्वर्टेड इमेज है, तो इन्वर्टेड इमेज फॉर्म। ठीक है, तो ये चार बातें आप आसानी से इसको देख के बता सकते हैं इमेज के बारे में। अब ये जो नेक्स्ट केस है ये फोर्थ केस है, और इसमें क्या है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ एंड सी, यानी फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में कहीं भी अगर ऑब्जेक्ट होगा तो इस केस में इमेज कहाँ बनेगी। तो देखिए ये कॉनकेव मिरर है, फोकस और कर्वेचर के बीच में ऑब्जेक्ट है। अब इससे हम दो रेज निकालेंगे, एक रेज तो हम इसको ले चलते हैं पैरेलल। ठीक है, एक रे हमने लिया पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और ये कहाँ से जाएगा, फोकस से, तो इस तरह से होता हुआ जाएगा फोकस से। दूसरा रे हम ले लेते हैं फोकस से, दूसरा रे हमने ले लिया फोकस से। अब ये क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इस तरह से। तो ये देखिए, तो ये देखिए ये दो रिफ्लेक्टेड रे इस पॉइंट पे मिल रही हैं, तो मतलब यहां पे इन्वर्टेड इमेज बनेगा, यहां पे इन्वर्टेड इमेज बनेगा। आई बात समझ में, ये था ऑब्जेक्ट, हमने एक पैरेलल रे बनाई है फोकस से गया, एक फोकस से बनाई, ये पैरेलल हुआ, दोनों यहां पे मीट कर रहे हैं, तो कहां पे मिले, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। तो देखिए हो क्या रहा है, पहले हम फोकस पे था हमारा ऑब्जेक्ट, इमेज सॉरी इन्फिनिटी पे था हमारा ऑब्जेक्ट, इमेज था फोकस पे, जब इन्फिनिटी से हम पास लेके आए बियॉन्ड 2f ऑब्जेक्ट को, तो इमेज बना बिटवीन एफ एंड सी, जब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लेके आए तो इमेज बना सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे बढ़ गए तो इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे आ गया। तो मतलब वो क्या रहा है, जब फोकस से ऑब्जेक्ट को पास लाते जाएंगे तो इन्फिनिटी से ऑब्जेक्ट को जब पास लाएंगे तो जो इमेज है फोकस से होता हुआ पीछे 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 आता जाएगा, ऑब्जेक्ट आगे जाएगा इमेज पीछे आएगा। तो ठीक है, तो इस केस में देखिए इमेज और पीछे आ गया बियॉन्ड 2f, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। नाउ अब इसमें हम मैग्निफिकेशन निकालते हैं, m इज माइनस v अपॉन u। अब देखिए v और u कहाँ है, तो ऑब्जेक्ट तो ये है तो ये है u, इमेज ये है तो ये है v। तो इस केस में क्या है, v इज ग्रेटर एंड u इज स्मॉलर, v इज ग्रेटर एंड u इज स्मॉलर, तो अगर मैग्नीट्यूड लेंगे m का दिस विल बी ग्रेटर देन 1। ठीक है, बट स्टिल द वैल्यू ऑफ m इज इन नेगेटिव। ठीक है, u और v तो नेगेटिव में, दोनों कैंसिल हो गया, ये नहीं कैंसिल होगा तो नेगेटिव ही है, बट इस केस में m इज ग्रेटर देन 1। तो देखिए अब इस इंफॉर्मेशन के साथ हम क्या बोल सकते हैं, सबसे पहले आप बताइए पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ है, इमेज इज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेकेंड इसके बारे में हम क्या बता सकते हैं, अच्छा इमेज इज रियल। दूसरा हम बता सकते हैं इमेज इज इन्वर्टेड, इमेज जो है इसकी इन्वर्टेड बन रही है क्योंकि m नेगेटिव है और m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो ये साइज जो है इमेज का बड़ा है ऑब्जेक्ट से, तो इमेज इज इनलार्ज। ठीक है, तो इतनी इन्फॉर्मेशन आप इस रे डायग्राम से देख के इमेज के बारे में बता सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं फिफ्थ केस की तरफ, इसमें क्या बोला है, द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस। अब जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस पे है, तो फोकस पे जब होगा तो इमेज लोकेट करने के लिए फिर हम वही करेंगे, एक रे पैरेलल बनाते हैं, ये पैरेलल वाली रे फोकस से होते हुए जाएगी। अब दूसरी रे पिछले केस में जैसे हम फोकस से होते हुए बनाए थे, अब इस केस में हम फोकस से होते हुए दूसरी रे नहीं दिखा सकते क्योंकि फोकस पे ही है ऑब्जेक्ट, फोकस से कैसे जाएगा, सीधे सीधे निकल जाएगा, मिरर पे नहीं टकराएगा। तो अब हमारे पास तीसरा जो रूल था, व्हेन द रे ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर, एक तो उससे भी कर सकते हैं और एक दूसरा फ्रॉम द पोल। ठीक है, तो दोनों से मैं बता देता हूं, देखिए अगर पोल से होता हुआ जाएगा तो पोल से होता हुआ जाएगा मेकिंग इक्वल एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस, सिमेट्रिकली वो वहां से चला जाएगा रिफ्लेक्टेड रे इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से ये देखिए यहाँ पे पोल से होता हुआ जाएगा तो इस तरह से रिफ्लेक्ट होगा, और दूसरा हम बता सकते हैं रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होता हुआ कैसे जाएगा, यहाँ से एक रे सीधी, यहाँ से एक रे जाएगी सीधी, इट अपीयर्स दैट इट इज कमिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर, उस डायरेक्शन में ही जाएगा तो ये वापस उसी डायरेक्शन में आ जाएगा और ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो देखिए आप पोल से भी चाहे तो बना लें, एक तो फिक्स है कि जो पैरेलल है फोकस से जाएगा, एक पोल से आप बना सकते हैं, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी आप बना सकते हैं, और ये तीनों लाइन पैरेलल आएंगी,
तो इसका मतलब क्या है, ये जो लाइन है आपस में मीट नहीं करेंगी, तो पैरेलल लाइन आपस में नहीं मीट करेंगी तो इमेज नहीं बनेगा। नहीं, इस केस में ऐसा नहीं है, इमेज तो बनेगा लेकिन वो इन्फिनिटी पे बनेगा, क्योंकि जो पैरेलल रेज होती है इन्फिनिटी में जाके मिल जाती है। ठीक है, हर पैरेलल रे इन्फिनिटी में जाके मीट करती हैं, तो ये अजम्पशन है इसमें। तो ये पैरेलल रे है तो इन्फिनिटी में जाके मीट करेगा तो इन्फिनिटी में इमेज बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पे अब इमेज के बारे में हम क्या कहेंगे, इमेज इज एट इन्फिनिटी। अब ये जो इमेज होगा रियल होगा कि वर्चुअल होगा, तो ये देखिए ये इन्फिनिटी में जाके एक्चुअली मिलेंगी, ये जा तो रही है ना रे, ऐसा तो नहीं कि नहीं जा रही, जा रही है, लेकिन इन्फिनिटी में जाके मिलेंगी रेज, इसलिए रियल इमेज बनेगा इसका। अभी जो भी इमेज बनेगा इन्फिनिटी में, ये देखिए इन्वर्टेड ही बनेगा, क्योंकि इसके पीछे अब जहां भी कहीं पे और नीचे जाएगा, नीचे जाता जाएगा, तो इमेज तो उल्टा ही बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा इन्फिनिटी में जाके, इसलिए इन्वर्टेड इमेज। अब ये जो रेज जितनी पीछे जाएंगी और फिर मिलेंगी तो उतनी जो इमेज का साइज बढ़ता जाएगा, तो इन्फिनिटी में कितना बड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा इमेज का साइज, तो ऐसे कहेंगे हाईली इनलार्ज इमेज। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया, इमेज जो है इन्फिनिटी में है, इमेज रियल है, इन्वर्टेड है और हाईली इनलार्ज है। तो देखिए अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू आपसे पूछें ये क्या होगा, माइनस वी अपॉन यू, तो अब देखिए U एंड V बोथ आर इन नेगेटिव, तो ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव ही आएगी क्योंकि ये माइनस है, V है इन्फिनिटी, U है कुछ भी फाइनाइट वैल्यू है U, ये फोकल लेंथ है U। ठीक है, तो इन्फिनिटी डिवाइड बाय समथिंग इज इन्फिनिटी, यानी मैग्निफिकेशन इन्फिनिटी, इन्फिनिटी है मतलब हाईली मैग्निफाइड है और हाईली लार्ज है। ठीक है, और ये जो वैल्यू है नेगेटिव साइन का मतलब ये दिख रहा है इसमें कि ये इन्वर्टेड इमेज बनेगी, आए समझ में। अब इसमें ये कहानी इसकी यहाँ ख़त्म नहीं होती है। ठीक है, देखिए यहाँ पे दो केस बनते हैं, एक तो ये सीधे पैरेलल जा रही है, लेकिन अगर इस रेस को हम पीछे भी तो एक्सटेंड कर सकते हैं, ऐसा भी तो प्रतीत हो सकता है ना कि पीछे से आ रही है, ऐसा है ना, इसमें ऐसा दिख सकता है, इट कैन बी सीन एज इट इज कमिंग फ्रॉम बिहाइंड। तो पीछे अगर हम इसको बना देंगे रेस को, और ये भी तीनों पैरेलल रेज हैं, तो ये कहाँ से रेज आ रही है और कहाँ पे जाके मिलेंगी, तो ये इन्फिनिटी में मिलेंगी, यहाँ भी एक्चुअली में नहीं मिल रही, बट दे आर अपियरिंग दैट दीज रेज आर कमिंग फ्रॉम द इन्फिनिटी, तो उस तरफ भी एक इमेज बनेगा। तो यहाँ पे दो इमेज बनेगा, एक तो इस तरफ बनेगा रियल इमेज और इसके पीछे भी बनेगा वर्चुअल इमेज एट इन्फिनिटी। ठीक है, इसके पीछे बनेगा वर्चुअल इमेज एट इन्फिनिटी, तो यहाँ भी बनेगा इमेज एट इन्फिनिटी, और ये इमेज कैसा है, वर्चुअल इमेज। देखिए यहां पे दोनों केस है, एक का यहां लिख दिया मैंने, एक का यहां बता रहा हूं, इमेज इन्फिनिटी में है, वर्चुअल है, और ये भी हाईली इनलार्ज होगा, बट इसमें इन्वर्टेड नहीं है इस केस में, ये है इरेक्ट इमेज, इस केस में इरेक्ट इमेज, क्योंकि पीछे जब आप जाते जाओगे तो हाईली इनलार्ज होगी और ऊपर जाती जाएगी इमेज ना, तो वो इरेक्ट इमेज बनेगी, यहाँ पे इन्वर्टेड इमेज रहेगी। तो इसको आप ध्यान रखना, फोकस पे जब भी होगा ऑब्जेक्ट तो दोनों तरफ इमेज बनेगी, रियल इमेज भी वर्चुअल इमेज भी, दोनों ही इन्फिनिटी में। अब देखिए ये सिक्स्थ केस है और ये कॉनकेव मिरर का ये लास्ट केस भी है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पोल एंड फोकस। इसका मतलब क्या है, ये पोल है और ये फोकस है और इन दोनों के बीच में रखा है ऑब्जेक्ट, तो इस केस में इमेज आपको पता करनी है कहाँ होगी। तो यहाँ फिर वही कॉन्सेप्ट लगाते हैं, एक रे पैरेलल जाएगी और ये फोकस से, ठीक है, एक रे पैरेलल जाएगी और ये फोकस से चले जाएगी, दूसरा आप ले सकते हैं पोल से। ठीक है, ये देखिए पोल से, ये पोल से जितना एंगल ये इंसिडेंट रे का होगा उतना ही एंगल रिफ्लेक्टेड रे का होगा, तो ये कुछ इस तरह से रिफ्लेक्टेड रे इस तरह से आएगी। ठीक है, अब ये देखिए ये जो रिफ्लेक्टेड रे है दोनों ये एक्सपैंड हो रहे हैं, मतलब ये एक दूसरे से डाइवर्ज हो रहे हैं, ये नहीं मिलेंगे तो ये इधर इमेज नहीं बनाएंगे, तो इसका मतलब है ये दोनों रे को हम पीछे एक्सटेंड करेंगे, तो पीछे एक्सटेंड करते हैं, ठीक है, तो ये देखिए इस पॉइंट पे मिल रहे हैं, ये रे को ये पीछे एक्सटेंड किया, ये रे को ये पीछे एक्सटेंड किया,
तो यहाँ पे ये बन रहा है इमेज, ठीक है, मिरर के पीछे बन रहा है इमेज। तो ये कैसा इमेज है? ये वर्चुअल इमेज है। मिरर के पीछे जब भी इमेज बनेगा, चाहे प्लेन मिरर हो चाहे कॉनकेव मिरर हो, वो वर्चुअल इमेज होगा। और देखिए, दीज रे आर एक्चुअली नॉट मीटिंग, रिफ्लेक्टेड रे तो ये है ना, R1 R2, बट अगर यहाँ कोई पर्सन होगा और अगर इस रे को देखेगा, और यहाँ कोई पर्सन होगा, ये इसकी आँख है और ये इस रे को देखेगा, तो इसे कैसे लगेगा? इधर से आ रही है ये रे, इधर से आ रही है। तो ऑब्जेक्ट भले ही इधर है, इमेज यहाँ बन रहा है, और कैसा बन रहा है? दिख ही रहा है, ये हाईली इनलार्ज है ना, हाईली इनलार्ज नहीं, इनलार्ज। तो यहाँ पे हम इमेज के बारे में क्या बोल सकते हैं? इमेज जो है वर्चुअल इमेज है। फिर इरेक्ट है, सीधा है, देखिए अगर सीधा है तो इरेक्ट, उल्टा है तो इन्वर्टेड। इरेक्ट इमेज इज फॉर्म्ड। दूसरा इनलार्ज, पोजीशन में आप क्या लिखेंगे? इमेज इज बिहाइंड द मिरर, ठीक है। तो इमेज है इस केस में बिहाइंड द मिरर, ठीक है। इसकी पोजीशन स्पेसिफिक नहीं है, जब हम मिरर फॉर्मूला करेंगे तो उससे पोजीशन भी निकाल सकते हैं। तो फिलहाल अभी ये समझिए, ये जो है मिरर के पीछे होगा और ये वर्चुअल इमेज होगा। तो ये जो हुए डिफरेंट केसेस ऑफ कॉनकेव मिरर, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिफरेंट वेज, तो इमेज कहाँ कहाँ बनेगी, तो ये पूरे 6 पॉसिबल केसेस हैं। तो इसी में से ही आपको न्यूमेरिकल भी आएगा, क्वेश्चन भी आएगा, और इन्हीं 6 केसेस में से ही आपको सारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो इसके न्यूमेरिकल्स भी करेंगे हम बाद में। तो फिलहाल आप ये केसेस इसको अच्छे से समझ लीजिए, नोट कर लीजिए और याद भी कर लीजिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। चलिए तो अब देखते हैं हम इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। जिस तरह हमने कॉनकेव मिरर देखा उसमें 6 केसेस होते हैं, बट कॉन्वेक्स मिरर के केस में 2 ही केस होता है। एक होता है जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में होता है, और दूसरा केस जब ऑब्जेक्ट होता है एनी वेयर बिटवीन मिरर एंड द इन्फिनिटी। तो वो 2 केस हैं, चलो यहाँ देख लेते हैं एक बार। तो देखिए, फर्स्ट केस है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। जब भी इन्फिनिटी में ऑब्जेक्ट होगा, जो भी रेज है वो पैरेलल रेज आएंगी, इन्फिनिटी से पैरेलल रेज आती हैं। तो इसके पास जो भी है वो पैरेलल रेज आएंगी, और रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन क्या बताता है? जो भी पैरेलल रेज आती हैं वो फोकस से डाइवर्ज होंगी इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर हमेशा रेज को डाइवर्ज करता है, ठीक है, इसीलिए इसे हम डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। और कॉनकेव मिरर सारी रेज को कन्वर्ज करता है फोकस पे, इसलिए हम उसको कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। तो कई बार आपको न्यूमेरिकल में डाइवर्जिंग कन्वर्जिंग मिरर भी देखने को मिलता है। तो देखिए, सारी रेज जो है डाइवर्ज हो रही है फ्रॉम द फोकस, तो इमेज कहाँ बनेगा? फोकस पे बनेगा। और एक ऐसा इमेज बनेगा, ये वर्चुअल इमेज बनेगा, बिकॉज एक्चुअली रेज आर नॉट मीटिंग। तो हम कह सकते हैं इमेज इज एट फोकस, कैसा है? वर्चुअल इमेज है, और ये जो इमेज का साइज है हाईली डिमिनिश्ड, पॉइंट साइज या हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है। तो इमेज इज एट फोकस, वर्चुअल इमेज एंड पॉइंट साइज या हाईली डिमिनिश्ड इमेज इज फॉर्म्ड इन दिस केस, ठीक है। तो ये हुआ है पहला केस। अब देखते हैं सेकेंड केस। सो ये है सेकेंड केस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एनी वेयर बिटवीन इन्फिनिटी एंड मिरर। तो ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा है इन्फिनिटी और मिरर के बीच में, कहीं भी, इसमें कोई फिक्स पॉइंट नहीं है। तो मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट है, ये कहीं पे यहाँ पे ये रखा हुआ है, ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये मिरर के फ्रंट में रखा है। इसकी इमेज कहाँ बनेगी? तो हम क्या करते हैं, एक तो पैरेलल रे, सबसे पहले आप हमेशा पैरेलल रे बनाइए, और वो फोकस से डाइवर्ज होगी। तो ये फोकस है, तो ये इधर से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो ये एक रे इधर चली गई। दूसरा आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले सकते हैं, एक पोल से ले सकते हैं। तो मैं पोल से ले रहा हूँ, एक रे आएगी जो पोल पे स्ट्राइक करेगी और इधर रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्टेड रे वन, ये रिफ्लेक्टेड रे टू, दे आर नॉट मीटिंग। तो इसको हम पीछे एक्सटेंड करेंगे, तो जब पीछे एक्सटेंड करते हैं तो ये दोनों रे इस पॉइंट पे आके मिल रही हैं। तो इसका मतलब है ऐसा इमेज बनेगा यहाँ पे, इसका इमेज यहाँ बनेगा। आ रहा है समझ में? तो देखिए, अब इसमें हम क्या कह सकते हैं इमेज के बारे में, पोजीशन इमेज की जो है, कहीं पे भी ऑब्जेक्ट हो, इमेज फोकस और पोल के बीच में, बस यहाँ से यहाँ तक ही वैरी करेगा, ठीक है। तो इमेज
इज बिटवीन पोल एंड फोकस. ठीक है, तो पहला पॉइंट तो आप लिख सकते हैं, तो इमेज इज बिटवीन पोल एंड फोकस. दूसरा, ये देखिए इरेक्ट इमेज है, ये भी सीधा है, ये भी सीधा है, ये इरेक्ट इमेज. अब ये रियल है या वर्चुअल है, तो देखिए रियल तो नहीं है क्योंकि ये रिफ्लेक्टेड ये नहीं मिल रही, बट पीछे ये अपीयर टू मीट है, इसीलिए हम कहेंगे ये वर्चुअल इमेज. और इसमें साइज ऑफ इमेज दिख ही रहा है, ये ऑब्जेक्ट है और इमेज इसमें इससे छोटा ही होगा यहाँ पे, तो इट इज डिमिनिश्ड इमेज. तो इसमें केवल दो केस है, तो इस तरह से हम इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव मिरर पूरा हमने कवर कर लिया है. और इसके बाद जो है इसके बारे में हम और पढ़ेंगे, बट वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, आज क्लास में इतना ही है. तो इसको एक बार आप फिर से देखिए, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, आपको आँख बंद करके बनना चाहिए, इसको आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बार बार याद करना पड़ेगा कि एक ऑब्जेक्ट अगर एक पॉइंट पे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे या फोकस पे या इन्फिनिटी में है तो इमेज कहाँ बनेगा, कॉनकेव में या कॉन्वेक्स में. तो इसको आपको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा. और ये जो चीज़ है आप प्रीवियस क्लास में पढ़ भी चुके हैं, तो ये उतना टफ नहीं है, तो ये प्रीवियस क्लास का ही था. अगर 10th की बुक निकाल के देखेंगे आपको उसमें पूरा डिटेल में मिल जाएगा, तो इजी था. इसके बाद फर्दर हम इसको आगे और पढ़ेंगे, बट वो नेक्स्ट क्लास में. इस क्लास में आज के लिए हम इतने ही पढ़ते हैं. दैट्स ऑल फॉर टुडे. हैव अ नाइस डे.